हेलो फ्रेंड, आज हम कमल ककड़ी और काले छोले की मिक्स सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कमल ककड़ी ली है। ये कमल के फूल के डंडियाँ होते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, 8 से 10 लहसुन के कलियां, प्याज और टमाटर। और यहाँ पे काले छोले ली है। काले छोले को हमने भिगो के रखा था 5-7 घंटे के लिए, तो छोले अच्छे से भीग गया है। अब सारे खड़े मसालों को पीस लेंगे। तो प्याज को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और टमाटर को इस तरीके से काटेंगे और बीच वाले हिस्से को निकाल देंगे, इसे नहीं खाना चाहिए। तो छोटे छोटे पीस में काट के मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। तो हमने ये मसाला बारीक पीस के तैयार कर लिया है, इसे साइड में रख देंगे। अब ये कमल ककड़ी को आगे पीछे का हिस्सा काट लेंगे और इसे छील लेंगे। तो मैं यहाँ पे छीलने के सहायता से छील रही हूँ, आप चाकू के भी सहायता से छील सकते हैं। छीलने के बाद धो लेंगे। धो के बारीक पीस में काट लेंगे, छोटे छोटे पीस में काट के रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक कुकर ली हूँ, कुकर में बनाऊँगी तो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। आप तेल थोड़ा कम भी यूज कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा 1 पिंच जितना हींग डालेंगे और 5 फ़ोरन डालेंगे, 1 चम्मच तेज पत्ता डाल लेंगे 2, और एक हरी मिर्च तोड़ के डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस जगह पे आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छे से तरक गया है। इसमें 1 प्याज बारीक काट के डालेंगे। इसे अच्छा सा गोल्डन होने देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। इसमें सूखी मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब 1 छोटी छोटी चम्मच डालेंगे, और गरम मसाला आधा छोटी चम्मच डालेंगे। और गैस का फ्लेम हमने पहले बंद कर रखा था सूखी मसाला ताकि जले ना। अब पिसा हुआ सारे खड़े मसाला का पेस्ट डाल लेंगे और गैस का फ्लेम जला लेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, सूखी मसाला डालने से पहले गैस का फ्लेम बंद कर लेना है, नहीं तो सूखी मसाला जल जाते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे मसाला को। 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे तो पानी सूख गया है, तो फिर से ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे 5 मिनट भी लग सकता है। तो लो फ्लेम पे इस टाइम मसाला को पका लिया। तो आप देख सकते हैं नीचे कुकर में तेल छोड़ने लग गया है। तो अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाले को मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे ही मसाले में से तेल निकलने लग जाएगा तो हमारा मसाला भुन जाता है। तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल निकलने लग गया है, अब मसाला भुन गया है। मसाला भुनने के टाइम में हमने नमक नहीं डाला था। अब इसमें कमल ककड़ी और काले छोले डाल लेंगे। दोनों मैं एक साथ डालूंगी क्योंकि दोनों को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बराबर ही टाइम लगता है। कमल ककड़ी भी लेट से पकते हैं और काले छोले भी लेट से पकते हैं। तो मसाला भून गया है। यहाँ पे हमने कमल ककड़ी को धो के काट लिया इस तरीके से। अब इसे डाल लेंगे, इसमें छोले भी डाल लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे इस टाइम, तो जल्दी से पक जाएगा। और इसमें आप आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, तो जल्दी से पक जाएगा। अब इसमें 500 ग्राम जितना पानी डाल लेंगे, या तो आपको जितना रस पसंद है उस हिसाब से डालें, अगर नहीं पसंद है तो थोड़ा कम डालें। 3 से 4 सीटी आने देंगे तेज फ्लेम पे। तो गैस का कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और गैस का फ्लेम तेज करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। इसके बाद जिस साइड से चूल्हे में कम गैस चलती है उस साइड रख देंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद
कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद खोल लेंगे। तो 15 मिनट के बाद देखिए मैंने अपने आप ये गैस कुकर से निकल गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी तैयार है। अगर आपको इतनी रस पसंद नहीं है तो आप ढक्कन खोल के 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पानी को जला सकते हैं। तो इसमें आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और कस्तूरी मेथी भून के क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। या तो आप हरी धनिया के पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा कमल ककड़ी और काले छोले की सब्जी फ्रेंड है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड वीडियो के एंड में भी आप 4 वीडियो और देख सकते हैं। अगर आपको वहां से भी वॉच करना चाहते हैं तो वहां से भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो को क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय।